ऑस्ट्रेलिया से एक खबर आ रही है, वहां की अदालत में एक अप्रवासी भारतीय के खिलाफ 5 लड़कियों को कथित तौर से नशा देकर उनके साथ बलात्कार करने और वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया है। बलात्कार का वीडियो भी इसी भारतीय ने बनाया है। डेली मेल नाम के एक अखबार ने उसका नाम बालेश धनखड़ लिखा है। यह भी लिखा है कि यह व्यक्ति भारतीय समुदाय में प्रमुख हैसियत रखता है। डेली मेल ने यह भी लिखा है कि बालेश ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का संस्थापक अध्यक्ष है। अखबार ने लिखा है ही इज ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी बींग द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द OFBJP एन ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट ग्रुप फॉर इंडियन रूलिंग पार्टी। इंडियन लिंक न्यूज ने लिखा कि जब पीएम मोदी 2014 में ऑस्ट्रेलिया गए थे तब बालेश उन प्रमुख आयोजकों में से एक था जिन्होंने प्रधानमंत्री की अगवानी की थी। बोलते हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष बालेश धनखड़ पर महिलाओं के साथ रेप सहित अन्य अपराधों के 13 मामलों में मुकदमा चल रहा है। हाल ही में डेली मेल ने सिडनी में रह रहे भारतीय मूल के बालेश धनखड़ के ऊपर लगे अपराधों की यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के मुताबिक धनखड़ कथित तौर पर सिडनी की ट्रेनों के लिए डेटा विजुलाइजेशन सलाहकार के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा वो ABC और फाइजर के लिए भी काम करता था। महिलाओं को फंसाने के लिए बालेश धनखड़ ने नौकरी के फर्जी विज्ञापन का इस्तेमाल किया। बालेश धनखड़ ने खासतौर पर कोरियन मूल की महिलाओं को निशाना बनाया। धनखड़ पर रेप का आरोप लगाने वाली 13 पीड़ित में से 5 कोरियन है। बालेश धनखड़ ने उनको अपने जाल में फंसाने के लिए एक नकली नौकरी का विज्ञापन निकाला। खबर के मुताबिक धनखड़ ने ऐसी महिलाओं को काम पर रखने की पेशकश की थी जो कोरियन से अंग्रेजी में अनुवाद कर सके। बालेश धनखड़ ने महिलाओं को एक अपार्टमेंट के करीब सिडनी के एक हिल्टन होटल बार में बुलाता और वहां अपार्टमेंट में ले जाने के लिए महिलाओं के ड्रिंक्स में किसी तरह की नींद की गोलियां मिला देता था और इसके साथ ही अपने साथी लोगों के साथ उनके अपार्टमेंट में उनके साथ रेप करता था। रिपोर्ट पे यह भी कहा गया है कि बालेश धनखड़ के पास हिडन कैमरे से लैस अलार्म घड़ी थी जिससे उसने मोबाइल के कैमरे से जोड़ कर रखा था और उसका इस्तेमाल जाल में फंसाने के लिए सभी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रिकॉर्ड करने में किया करता था। उसके पास से कुछ फुटेज भी बरामद हुई है। इससे लग रहा था कि सारे काम सहमति से हुए थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि पीड़ित महिलाओं को कमरे में बनाए जाने वाले वीडियो के बारे में पता नहीं था। पुलिस ने कोरियन महिलाओं के साथ बालेश धनखड़ के यौन संबंधों के 47 रिकॉर्डिंग बरामद किए। उससे जब्त किए गए लैपटॉप पे पाए गए इन वीडियो में दिख रहा है कि कई महिलाएं बेहोश हैं और ऐसी अवस्था में हैं कि वो कुछ सोच समझ या बोल नहीं सकती। बालेश धनखड़ पर जनवरी और अक्टूबर 2018 के बीच 13 बार बलात्कार के आरोप लगे। धनखड़ पर लगे अन्य आरोपों में बगैर सहमति के 17 आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग और अश्लीलता के एक अधिनियम के साथ ड्रग्स लेने के 6 मामले भी शामिल हैं। ऐसे में ओवरसीज बीजेपी के इस सदस्य पे लगे आरोप गंभीर हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी इस पर क्या रिएक्ट करती है, क्योंकि यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। एक ओवरसीज संगठन है, क्या यह पार्टी से जुड़ा हुआ है या लोगों ने अपनी तरफ से बनाया हुआ एक संगठन खड़ा किया है जो पीएम मोदी की तारीफ करता है या बीजेपी का समर्थक बताया जाता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई स्पष्ट तौर पर अभी इस मामले पर जवाब नहीं आया है, लेकिन यह देखना होगा कि आखिर इस मामले में बालेश को कितनी सजा होती है और इस पर जो उच्चायोग है, भारतीय उच्चायोग, वो क्या प्रतिक्रिया देता है।